कड़के ट्रैक ले लो, लोग जा रहे हैं उधर से बोल रहे हैं। श्री रुको ना, वो मेरा चिल्ला दिया। आया आया रुकिए ना, ये सब क्या हो रहा है? हम श्री श्री तुम्हें हमारा वास्ता, मत जाओ। राशिद राशिद कुछ करो, हमारी बहन को इस तरह बेघर मत करो। रोलिंग ऑर्डर। राशिद ने तो राशिद हमारी बहन को इस तरह बेघर मत होने दो। राशिद राशिद ने चिल्लाया, राशिद ये सब क्या हो रहा है? राशिद तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये लोग चले जा रहे हैं। शिरीन रुको, हाँ शिरीन रुको, राशिद रोको शिरीन को। शिरीन रुके, स्टॉप्स, डजंट टर्न। अगर तुम्हें इस घर में रुकने का बस यही एक तरीका है कि दिलशाद को इस घर से दूर रखा जाए तो यही सही। आपको देखा, मैं दिलशाद को ओके। तो आज के सीक्वेंस में क्या चल रहा है? देख रहे हैं कि आयान बहुत गुस्से हैं आप पे और अम्मी को लेने आए हैं, ये सब क्या चल रहा है? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कहानी का, जहाँ पे शिरीन इसलिए घर छोड़ के जा रही है क्योंकि राशिद ने उससे ये बोल दिया है कि वो अब दिलशाद को भी अपने साथ रखना चाहता है जो उसकी फर्स्ट वाइफ है। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा एक ऐसा कदम है जो राशिद ने उठाया है, जिसका असर रेपरकशंस दोनों फैमिलीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ा है। असद के ऊपर भी पड़ा है, आयान के ऊपर भी पड़ा है। आयान बहुत नाराज़ है इस चीज़ को लेके, और ऑफ कोर्स शिरीन बिल्कुल टूट गई है इस चीज़ को लेके कि वो कोई एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत को ले आए। खैर यहाँ तो उसकी वाइफ ही है लेकिन फिर भी दूसरी औरत ही है उसके लिए। तो वो घर छोड़ के जा रही होती है शिरीन, आयान भी उसके साथ जा रहा होता, बट एक पॉइंट पर आके फिर शिरीन रुक जाती है और वो रियलाइज़ करती है कि मैं राशिद को छोड़ के नहीं जा सकती। कि ठीक है उसकी फर्स्ट वाइफ थी, जो भी था वो अपनी जगह पे एक है, हकीकत है, लेकिन दूसरी जगह ये भी हकीकत है कि राशिद ने पूरी ज़िंदगी जब तक वो शादीशुदा है कभी उसे एक पल के लिए भी तकलीफ़ नहीं दी। उसकी जितने उसकी एज ए हस्बैंड जितनी ड्यूटीज़ हैं, जो भी उसके फ़र्ज़ है, वो उसने पूरे निभाए हैं, कभी कंप्लेन करने का मौका नहीं दिया। एक बहुत अच्छा हस्बैंड रहा है, बहुत अच्छा फादर रहा है, और वो कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, तो और उस प्यार के लिए वो उसे छोड़ कर नहीं जा सकती। तो पहले घर से जा चुका है, आयान भी जाने वाला है। हाँ, आयान भी नाराज़ होकर चला जाता है, बहुत कुछ सुना के जाता है राशिद को कि आपने अपने पहले बेटे की तरह छोटे बेटे को भी गंवा दिया। लेकिन फैमिली फैमिली है, कभी टूटती नहीं, वापस फिर हो गए एक सब, कब ये नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ये दिलशाद को कुछ नुकसान होने वाला है कुछ? नहीं, दिलशाद इसी सीन के अंदर एंड में जब शिरीन रुक जाती है और आयान नाराज़ होकर जाता है और दिलशाद पहली बार अपना बैग वैग और सामान लेके राशिद के घर में एंटर कर रही होती है, तो बहुत बड़ा ड्रामेटिक सीक्वेंस है। और वो एंटर करती है और अब पहली बार दोनों वाइफ एक छत के नीचे अपने एक हस्बैंड के साथ है। अब कहानी में लेकिन यहाँ पे बात होती है कि आयान को कैसे मनाया जाए, आयान कैसे वापस। आयान मानता नहीं है अभी, अभी मुद्दा आयान के रूठने का नहीं है। हमने एक सीन किया था, आयान इस तरह की हरकतें कर चुका है, नाराज होकर चला जाता है, फिर आ जाता है दो तीन दिन में। अभी मुद्दा यह है कि दोनों औरतें एक घर में एक छत के नीचे हैं, तो फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कीजिए आप आने वाले एपिसोड्स में। ये तो आपको देखना पड़ेगा, बता दिया तो ख़त्म हो जाएगा, ये लोग एपिसोड्स नहीं देखेंगे। ये मास्टरी है हमारी। दिलशाद और श्री में क्या डिफरेंस है अभी आपको, क्या दिखाई दिया दोनों में? दोनों से बहुत प्यार करता है। डिफरेंस मतलब इंडिविजुअल तो अलग अलग ही हैं लेकिन दोनों की पर्सनालिटीज़ भी अलग अलग हैं,
लेकिन जहाँ तक राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, वो दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये शायद एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद जिनकी दो वाइफ्स हैं और वो दोनों से ही उतनी मोहब्बत करते हैं, राशिद उनमें से भी एक है। तो अयान बहुत गुस्से में है, अयान यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं, अम्मी को कहीं ना कहीं उस पर असर गिरा, और अम्मी भी रोकने की कोशिश कर रही है। अम्मी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अयान इतना नाराज़ है कि वो रुका नहीं। और दूसरे घर में भी यही हाल है, जब दिलशाद छोड़कर आए थे असद ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं, वहाँ पे अम्मी नहीं रुकी, यहाँ पे अयान नहीं रुकता है, वो चला जाता है। थैंक यू थैंक यू।